नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता आपके साथ एक बार फिर अपने YouTube चैनल में। देखिए दोस्तों, मैं आज आपको गोबर से उपला कैसे बनता है ये बताऊंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। देखिए, ये एक पराद है, पराद में मैंने गोबर रखा है। ये गोबर है दोस्तों, और उपला ये देखिए मैंने इसमें भूसा रख रखा है। उपला बनाने के लिए गोबर और ये भूसे को मिक्स किया जाता है। जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ, देखो दोस्तों आप देखिए, ये मैंने मिक्स कर दिया। हमारे गांव में बहुत जगह ये उपले बनाए जाते हैं, मैं भी बना रही हूँ। देखिए दोस्तों, हम भी बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने गोबर और भूसे को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। और हम इसमें भूसे की जगह पतली पतली लकड़ियाँ होती हैं, जैसे छोटी छोटी, उनको काट के भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब ये सूख जाते हैं, अगर इसके अंदर लकड़ियाँ होंगी तो ये बहुत अच्छी तरह जलेगा। देखिए दोस्तों, मैंने भूसा और गोबर मिक्स कर लिया है। ये देखिए दोस्तों, ये ऐसे करके देखिए दोस्तों, मैंने उपला बनाया है। नज़दीक से देखिए दोस्तों, ये देखिए ऐसे बना दिया है। फिर इसको थोड़ा मैं ज़मीन में ऐसे करके इसको थोड़ा इसका लंबाई बढ़ाऊंगी, और इस प्रकार मैंने ये बना दिया है। देखिए दोस्तों, दोस्तों उपला हम बनाते हैं, जैसे एक मैंने ऐसे लंबे में बना दिया, और इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं जैसे गोल करके। आप देख लो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से गांव में कैसे काम होता है ये दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये गोल बन गया है। ये देखिए दोस्तों, इसका प्रयोग हम देखो, जो हम ये मैंने ऐसे लंबा वाला उपला बनाया है, इसका प्रयोग हम चूल्हे में कर सकते हैं दोस्तों। हम जैसे इसका प्रयोग खाने में भी करते हैं, खाना बनाते समय जब हम चूल्हे में खाना बनाते हैं तो दो लकड़ियाँ और हम इसको भी लगा देते हैं, इससे आग अच्छी जलती है दोस्तों। और जैसे और उसका दूसरी बार इसका प्रयोग तब होता है जैसे बरसात में मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, हम गायों को धुआं लगाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखो, इसको रख दिया और इसके ऊपर से थोड़ा सा आग रख दी और ये जलता रहता है, इससे बहुत धुआं होता है और इससे बरसात में ये जानवरों को मच्छर भी नहीं लगते हैं और खाना बनाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। इसलिए उपला हमारे गाँव में बहुत जगह बनाया जाता है, बहुत बनता है। और जैसे कि मैंने आपको बना के दिखाया है अपने हाथों से दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। आगे वीडियो में आज इतना ही, और अगली वीडियो में आपको हमारे गांव में कुछ और होता है नया, कुछ और दिखाऊंगी। आज वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।